बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में है, लेकिन आरजेडी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और साफ कर दिया है कि 25 में तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। जी हां, शुक्रवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत आरजेडी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री महागठबंधन के हैं, मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं इसमें कोई किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन हमारा फोकस 2024 और 25 को लेकर है कि किस तरह पार्टी और संगठन को मजबूत किया जाए। हम लोग का विषय अपना है, हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे, हमारी मजबूत हमें होना है, हम सशक्त होंगे। गांव तक, झोपड़ी तक जाने वाली है पार्टी, हर स्तर पर अपने कमजोर गरीबों की आंसू ओछे आंखों की, ये हमारा शुरू से कार्यक्रम रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही संदेश रहा है, लेकिन उसके लिए जहाँ कमजोरी हो उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, विधायकों ने भी अपनी बातें रखी, सर विधायकों ने भी अपनी बातें रखी है, विधायकों ने भी अपनी बातें कही हैं। ओहो, विधायकों ने कहा है, हम मेहनत किए हैं और मेहनत करेंगे और भविष्य की लड़ाई के लिए तैयारी करेंगे। अच्छा, अब्दुल बारी सिद्दीकी के स्टेटमेंट पर कुछ कहिए ना जनता को। एक रिक्वेस्ट है सर, मगध यूनिवर्सिटी का जो छात्र आज रोड पे भटक रहे सर, 14 महीने से सर रिजल्ट, आप एक काम करिए ना, कल आइए 12 बजे को अच्छे ढंग सर, हम आपसे मिले सर। मेरा विनती है सर, देखो असल में तू लोग का हर अवसर पर आप मिले हो, कहाँ कमी रह गई। ए यार हटो ना यार, जगदा बाबू टाइम से बहुत सर, अरे यार वाइट हो रहे सर, कैसे कर रहे हैं, रुको ना यार बेटा, यहाँ जरा देखो प्रेस वाले पहले भाई, पहले प्रेस का आने दो ना भाई, तब तक तुमको जगदा बाबू ये बताओ कि ये लोग इन लोगों को छोड़ के तुमसे बात करो, पार्टी तुमसे तो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आओ बात करेंगे। मंत्रिमंडल में कोई आपको लेकर चर्चा हुई है क्या? आए मंत्रिमंडल, अच्छा एक आदमी बात करो ना, एक आदमी बात करो, एक्सपेंशन होने वाला है इसको लेकर कुछ चर्चा हुई है किसी की? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ चर्चा हुई? अरे भाई, पार्टी के विस्तार के साथ ही सारे विस्तार जुटे हैं, यदि पार्टी का विस्तार नहीं है तो बाकी किसी के लिए बात किया जाए? यदि पार्टी का विस्तार होता है तो फिर मंत्रियों का भी विस्तार होगा, कल परसों जब हो जाए, लेकिन पार्टी के विस्तार का विषय था, मंत्रिमंडल के विस्तार का मुख्यमंत्री जी के उप मुख्यमंत्री जी के बीच का विषय है। आपकी कार्यकारिणी कब गठित हो रही है सर? प्रदेश कार्यकारिणी, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी जो आपके नेतृत्व में बननी है वो काफी समय से लंबित है, वो कब? आप समझ लीजिए ना, हम लोगों ने उसको एक महीने पूरी समीक्षा के लिए दिया है, एक एक चीज की समीक्षा होगी, स्वयं उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हम लोग के यहाँ सारे कागजात हम लोग रख देंगे, इसके बाद एक महीने के भीतर जो हमारा ढांचा है नया बनने का, यह भी रह सकते हैं, बदलाव भी हो सकता है, यहाँ की जैसी स्थिति रहेगी उसके आधार पर निर्णय तेजस्वी जी करेंगे, वही सबको मान्य होगा। अच्छा, एक सवाल है, 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के चेहरे पर होना है, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर बयान दिया था, आज क्या चर्चा हुई है, पार्टी सहमति जता दी है कि अब अगला चुनाव? बिल्कुल, आज के दिन मुख्यमंत्री महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जो वो कहते हैं उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं। बता दें कि महागठबंधन में नीतीश शामिल होकर सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन में आने के बाद वो कई बार तेजस्वी यादव को आगे करने की बात कह चुके हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव बिहार का कमान संभालेंगे। वहीं इसके बाद आरजेडी और जेडीयू के विलय होने की बात भी सामने आने लगी है, इसको लेकर कई राजनीतिक दिग्गज बयान भी दे चुके हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से बयान आने के बाद अभी इस मुद्दे पर विराम लग गया है।